गुड मॉर्निंग मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो गए? तो आज मैं निकल रहा हूँ घर के लिए और सुबह के बज रहे हैं 6:30। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ घर निकलने के लिए। तो ये रहा अपना सामान, सब पैक है। अभी इसको चल के बांध लेते हैं बाइक पर। दोस्तों ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू सुबह 6:30 का। अभी आधे घंटे पहले ही प्रॉपर दिन निकला है। बाकी चलते हैं अपनी बीस्ट ये खड़ी, बैग अभी पैक कर लेते हैं इसके ऊपर। दोस्तों फाइनली सामान सारा पैक हो चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पर ना सामने बद्री विशाल सेवा सदन है जहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है और परौंठे भी मिल रहे हैं खाने के लिए, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और ये 15 जून से ले मतलब 15 मई से 15 जून तक का है, तो अगर कोई भी आ रहा है तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में आप यहाँ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है श्री बद्री विशाल सेवा सदन, यहाँ पर चल रहा है और सुबह से ही चल रहा है, मॉर्निंग से। काफी बढ़िया चीज है ये भी। बाकी अब चलते हैं, अपना सामान सारा पैक है, बीच रेडी है, तो चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आधा घंटा आ चुका है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि 2 दिन से खड़ी थी ना, और यहाँ 0 डिग्री 1 डिग्री के आसपास चल रहा था। बाकी अब होने वाली है स्टार्ट। शेल्फ इसकी बहुत लॉन्ग तक चल जाती है, बैटरी मतलब डाउन होने के बाद भी देखो। और ये हो गई स्टार्ट। धक्का मारने की जरूरत पड़ती नहीं इसको, बहुत बहुत ही प्यारी बाइक है भाई। तो चलते हैं, कंप्लीट करते हैं आज का सफर। तो दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं, और बाकी यार सुबह सुबह का यार व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। बाकी यार एक प्रॉब्लम भी हुई यहाँ पर, लोग यार पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ये देखो हैंडल का जो एक कॉर्नर होता है ना, ये किसी ने निकाल लिया, यहाँ पर दूसरा लगा हुआ, एक निकाला बस। तो यार एक भी कुछ छोड़ा दूसरा भी ले ही जाता जिसने भी निकाला। बाकी यार चलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी जो टाइम लगने वाला है ना अपने घर के लिए, कम से कम भी 12 घंटे लगेंगे कम से कम, क्योंकि पहाड़ों का भरोसा नहीं है, कहाँ जाम मिल जाए, कहाँ बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है। और देखो जैसे पत्थर गिरे पड़े हैं ऐसे लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है, तो यार रुकना भी पड़ सकता है। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। चले यार हम क्यों रुके, हम तो बाइक वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों रास्ता देख रहे हो, और बाकी व्यू देखो, पहाड़ के ऊपर ना, हर पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर है, हर पहाड़ के ऊपर, और पीछे रोड की साइड में भी था। बाकी ये चट्टाने देखो, ये आई थिंक ज़्यादातर लैंडस्लाइड वाला एरिया ही है। बढ़ते हैं यार हम, ये रास्ता ना रुकने लायक तो नहीं है, ना ही धीरे चलने लायक है थोड़ा। हाँ लेकिन रोड ख़राब है, उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी यार गोल्डन गोल्डन पहाड़ सुबह सुबह के, बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाता है ऐसे पहाड़ों को देख के। बाकी कुछ कुछ जगह ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती रहती है ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। बाकी यार मेरा मिरर भी एक लूज़ हो चुका है, कहीं पर रुकूंगा तो इसको टाइट करूंगा एक बार, अभी तो यहाँ रुकूंगा नहीं मैं, किसी सही सी जगह जाके वहाँ रुक के फिर करेंगे। बाकी ये देखो, वाह भाई, और जो लोग नहीं आ सकता ना यहाँ पर, वीडियो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। मेन क्योंकि डेस्टिनेशन का तो मज़ा है नहीं, मेन मज़ा है ट्रैवल का। और इस टाइम मज़ा के साथ सजा भी हो रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत है और हाथ भी जम रहे हैं। चलते हैं, अभी और ख़राब रास्ता आएगा, वहाँ फिर टाइम लगेगा। और ये पूरे के पूरे कच्चे पहाड़ हैं, देखो बहुत कच्चे हैं, मिट्टी पत्थर वाले। यहाँ से ऋषिकेश 292 किलोमीटर है, चमोली 86, हरिद्वार 312। सबसे पहले हम लोग को कवर करने हैं 312 किलोमीटर, उसके बाद तो मस्त अपना हाईवे है, आराम से पहुँच जाएंगे घर। बाकी यार घर अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ
प्लान तो था और जगह जाने का भी, बट घर पे ना थोड़ा सा काम भी है। तो ये देखो ग्लेशियर रोड के ही साइड में झरने के साथ, तभी यहाँ पर इस बार इतनी ठंडा है, वरना कभी भी ग्लेशियर नहीं मिलता है ऐसे रोड पर यहाँ पर। तो मैं था कि मैं घर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ना काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि रह रहा था, और मैं डॉक्यूमेंट जमा करा के भी आया था कराने के लिए, बट नहीं हो पाया, तो मुझे खुद जाना पड़ेगा आगे की ट्रिप्स के लिए। वो डॉक्यूमेंट ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं, आप ये व्यू देखते रहो, मज़ा आता रहेगा। देख रहे हो सीधा यू टर्न, वो भी डाउन में। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। हेलीपैड सर्विस ना बहुत चल गई है यहाँ पर, और वीआईपी सर्विसेज भी बहुत चल रही हैं। एसडीआरएफ जब आ जाती है तब ये लोग वीआईपी बंद कर देते हैं, वो नहीं होती तो भैया प्रॉपर वीआईपी चलती है। लाइन में जो खड़ा वो तो बेवकूफ है, 2-2 किलोमीटर की लाइन हो रही है, सुविधा है नहीं। शेड भी आधी आधे ही जगह लगे हुए हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब जो लाइन में खड़ा है वो भीग भी रहा है, ठंडी हवा भी झेल रहा है, सारे काम कर रहा है। चलते हैं यार, चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये आ चुका है यहाँ का सबसे ख़राब रास्ता, जो सिर्फ मिट्टी से ही बना हुआ है। बाकी पीछे ग्लेशियर देख रहे हो कितना बड़ा है। ये देखो हमारी बाइक के टायर स्लिप भी बहुत होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अभी ऐसा रास्ता चलता रहेगा, मतलब 10-1 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे ऐसे पैचेज हैं यहाँ पर, आप आओ तो सेफली आना। और बाकी ये खराब रास्ते की वजह से बैग लूज भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो यही है 20-30 की स्पीड बस, और इनको ओवरटेक करने की लगती है। देखो ग्लेशियर ही ग्लेशियर है यार इस बार, तो ग्लेशियर ही ग्लेशियर। दोस्तों अगर आप यहाँ आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ रास्ते में ही पुलिस वाले चेक कर लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जाने नहीं देंगे, वरना मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको फिर। और मेन ये है कि आपको मंदिर अगर दर्शन करने जाने हैं तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन दिखा के एक टोकन लेना पड़ेगा, तभी आपको मंदिर में जाने दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना। बाकी ठंडी के कपड़े लेके आना, क्योंकि रात में यहाँ पर 1 डिग्री के आसपास भी पहुँच रहा है, कल रात को भी 1 डिग्री हो गया था, तभी मेरी बाइक शायद स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो बाकी चलते हैं यार, फटाफट रास्ता कवर करते हैं, शाम तक घर पहुँचना है। तो नॉन स्टॉप चलेंगे, स्टॉप लेंगे बट हाँ कुछ खाने का ब्रेक वगैरह लेंगे बस। चलते हैं, देख रहे हो इसे कहते हैं छपरी बना, देखो। और ये जब से मैं देखा तब से ऐसे कर रहा, इसलिए मैं दूरी बना के चल रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया है। कुत्ता गिरेगा गिरेगा मेरे को और लेके गिरेगा। थोड़ी देर पहले बिल्कुल साइड से निकला था, पता नहीं इनको क्या चुल मची रहती है, ट्रैक पे जाओ चलानी है तो क्यों किसी और को। अभी भी ऐसे ही जा रहा, जाने दे बाढ़ में जाए। दोस्तों जाम देख रहे हो, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ आज, इसलिए मैं सुबह थोड़ा ना और जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाइक पे हैं और बाइक वाले तो निकल ही जाते हैं। बाकी यहाँ से श्रीनगर 8 किलोमीटर बच रहा है, और टाइम अभी तक मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है, आई थिंक 10 या 11 बज रहे होंगे, क्या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि यार टाइम का ना पता नहीं लगता।
चलते हैं कवर करते हैं अपने लिए, तो क्या ही जाम, हमें ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता ना। पढ़ते हैं, अभी स्टॉप मैंने एक भी नहीं लिया है, रेगुलर चला ही रहा हूँ। ओके, ये पुलिस वालों ने ही बंद कर रखा है सारा रास्ता, पीछे सिंगल रोड है छोटा सा, उससे सिर्फ ना एक ही व्हीकल निकल सकता है एक बार में, इसलिए आई थिंक रोक रखा होगा ताकि एक जाम निकल जाए तो फिर दूसरा निकालें। बाकी मैंने शायद, हाँ बाकी है, बाकी सुनने में तो आया ही था कि जाम बहुत ज़्यादा है, सच में ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर जाम और हालत हो रही है ख़राब। यहाँ की जितनी लोकल गाड़ी है ना, ये लोग फंसा देते हैं। अब देखो एक साइड लग रही है तीन तीन लाइनें, दूसरी साइड जाने का जगह ही नहीं है। देखते हैं कितनी देर लगती है। बाकी जैकेट का लाइनर भी उतारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देखते हैं कितनी देर में निकलता है जाम। देखो चार चार गाड़ियाँ। तो दोस्तों फाइनली आधा घंटा ख़राब हुआ बट जाम खुल चुका है। ये एक बस थी, निकल नहीं पा रही थी क्योंकि लोगों ने ना तीन तीन चार चार लाइनें बना रखी थी, बताओ एक साइड वालों ने। अभी भी देखो कितना, मतलब स्पेस छोड़ ही नहीं रहे, पता नहीं बेवकूफ हैं लोग, क्या है क्या नहीं है, हर किसी को निकलना है, लाइन छोड़ेंगे नहीं तो कैसे कैसे निकलोगे, सामने वाली गाड़ी निकलेगी तो खड़ रहो, झेलो गर्मी। हम है क्या, हम तो बाइक वाले चलते बने। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ देवप्रयाग, आप देख सकते हो व्यू यहाँ का। बाकी पीछे की साइड ज़्यादा भीड़ थी तो मैं ना वहाँ रुका नहीं। बाकी सुबह 8 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 1:45। बाकी यहाँ से लिखा तो नहीं हुआ लेकिन ऋषिकेश आई थिंक ना 68 किलोमीटर के अराउंड अब बच रहा है। बाकी सुबह 8 से निकले थे, 1:45 हो रहे हैं तो कितने घंटे हो गए, 5.5-6 घंटे हो चुके हैं। 5.5-6 घंटे में देवप्रयाग पहुंच चुका हूं मैं और थोड़ा सा स्टॉप लिया है, पानी वानी पी लेते हैं। तो बाकी यहाँ की यूनिवर्सिटी देख रहे हो अपने उधर की, तो यूँ ही लगती है। बाकी यहाँ की देखो कितनी प्यारी लगती है, पहाड़ों के ऊपर बसी हुई प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्यारी सी। तो यार धूप बहुत तेज़ है, फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम से घर भी पहुँचना है, चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली देवप्रयाग से ना थोड़ी सी आगे स्टॉप लिया था और यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है प्रॉपर, और अब जो स्टॉप रहने वाला है सीधा घर का रहने वाला है। मैं कहीं भी नहीं रुकूँगा, मतलब नॉन स्टॉप ही निकलेंगे। एक स्टॉप लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यार सुबह ना सिर्फ एक ही परांठा खाया था। यहाँ से 7-8 घंटे लगने वाले हैं तो आप लोग हो जाओगे बोर ट्रैवल देख देख के। तो सीधा सीधा अब जहाँ रुकेंगे वहीं का वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं ऋषिकेश और बस सामने ही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी हैं जहाँ पर हमने स्टे किया था, और अभी फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, बिल्कुल एम्प्टी। तो क्या करते हैं, पहले फ्यूल अप करा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, आपको तो पता ही होगा जो अपने गुड़गांव दिल्ली साइड में रहते हैं। वैसे तो ऋषिकेश में भी बहुत गर्मी है इस टाइम। तो यार फ्यूल अप करा लेते हैं पहले,
दिख रहा हूँ अभी आ रहा है भाई। आ रहा हूँ। हाँ हाँ ये कहाँ जा रहा है? लाइव लाइव नहीं जा रहा है, ये बाद में आएगा। कौन से? गुड़गावा। गुड़गावा देखो देखो तो भाई कराते हैं फ्यूल अप फिर निकलते हैं। दोस्तों फ्यूल अप हो गया है, बाकी पानी भी भर लिया है क्योंकि यार पानी बहुत ज़्यादा ना गर्म हो जाता है। यार अब निकलते हैं घर के लिए और यहाँ से टाइम बता रहा है 5 घंटे 5.5 घंटे के आसपास मुझे लग जाएंगे पहुँचने में। तो यार अभी निकलेंगे तो पहुँचेंगे रात के 10 बजे के आसपास तक, बाकी जाम मिला तो और भी लेट हो सकते हैं। चलते हैं, एक बार हाईवे चढ़ जाएंगे ना तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो जाएगी, हो सकता है टाइम कम हो जाए। लो जी आ चुकी है शिव जी की मूर्ति और गंगा मैया, दर्शन कर लो दोबारा से और बाकी भोलेनाथ जी से बस यही प्रार्थना है ऐसे ही हम आते रहें आपके द्वार पे। बाकी यार चलते हैं, लोग यार एक तो समझ नहीं आती चलाते कैसे हैं, समझ नहीं, हॉर्न दो उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं, बीच में घुस के चल रहे हैं बस। दोस्तों ये ऑटो देख रहे हो, एक्सीडेंट के ज़्यादातर कारण यही होते हैं, ओवरलोडिंग पे गवर्नमेंट ने चलान इसीलिए ही कर रखा है, बट क्या करें इन लोगों को समझ नहीं आती। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मोदी नगर और यही वो रोड है जिसके ऊपर बाइक चलाने में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नहीं ये जो जो ट्रैक मैं इस ट्रैवल में करके आया हूँ ना, जो मेरा ये सोलो टूर रहा है, जैसे जैसे ट्रैक में करके आया हूँ ना उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो पहले मुझे बहुत बेकार लगता था बट ये ठीक है, कम से कम आपको मेन रोड तो प्रोवाइड हो रही है। बाकी यार यहाँ से हमारा जो घर है वो बच रहा है ओनली एंड ओनली 91 किलोमीटर, जो कि 1.5 से 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में जाम होता है बहुत ज़्यादा, दिल्ली और गुड़गांव दोनों जगह जाम होता है। तो ये जो रोड है इस पर भी गड्ढे वड्ढे मिलते हैं, तो ये जो रोड है इस पर भी गड्ढे वगैरह मिल जाते हैं ना, तो यहाँ भी धीरे ही चलना पड़ता है। बाकी ट्रैफिक शाम का टाइम है, ट्रैफिक तो मिल रहा है, यहाँ ऑफिस आ जाए तो यार फटाफट से पहुँचते हैं घर। जब घर पहुँचने वाले होते हैं ना एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है, घर वालों से मिलेगी, चलते हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9 और मैं अभी मेहरौली साइड ही पहुँचा हूँ, यहाँ से आधा पौना घंटा और लगेगा, हमने अंदाज़ा सही लगाया था कि 10 बजे तक ही पहुँचेंगे घर पे। काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर, वहाँ ज़्यादा ठंड थी और यहाँ इतनी गर्मी है, क्या करे। तो कोई ऐसी जगह यहाँ पर नहीं है जहाँ ठंड और गर्मी दोनों का मिक्सचर होता हो, बस यहाँ आओ वहाँ जाओ यहाँ आओ वहाँ जाओ यही चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और एक तो यहाँ का जो ट्रैफिक है ना उस वजह से बहुत ही ज़्यादा उबल रहा हूँ ट्रैफिक में, बाकी ये टाइम ट्रैफिक का ही है, क्या कर सकते हैं, 9 बज रहे हैं और इतना ट्रैफिक है देख लो, ग्रीन लाइट हो रखी है और सब ऐसे चल रहे हैं रेंग रेंग के। चलते हैं यार, दुखी हो गए, सीधा चलना है अपन ने। फिर जाम, ग्रीन लाइट हो रही है तब भी जाम है, बताओ दुखी हो गया मैं तो। पहुंचते हैं घर, बाकी देखते हैं कुछ शायद खाने का मंगा रखा है घर वालों ने आज। क्या यार इससे तो वहीं ठीक थे, क्यों ही आया यहाँ पर मैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है अपना घर और
पढ़ देते हैं जरा कॉल। नीचे डॉक्सी को छोड़ो खिड़की वहां पर। दोस्तों कॉल कर दिया है और नीचे लॉक भी खुल गया। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ घर, पसीने पसीने हो रखा हूँ और इसका रिएक्शन दिखाता हूँ रॉक्सी। हाँ ये देखो, चलो अंदर चलो चलो चलो। अरे भाग गई, देखो जैसे नया बंदा आया कोई। देखते हैं। अरे हेलो, ये देखो कौन आया, कौन आया, उसको मतलब नहीं है कौन आया, सामान कौन सा नया आया, इसको सामान सूंघने की सामान कौन सा नया आया, बंदा आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, देख लो। चलो अब चलो 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 चले चले उसके लिए। हाँ हमेशा। दोस्तों फाइनली बहुत ही बड़ी ट्रिप गई और पहुंच चुके हैं घर, अभी करेंगे रेस्ट। दोस्तों फाइनली 10 बजे के आसपास घर पहुंच गया था, 10 का टाइमिंग मैंने आइडिया सही लगाया था, बाकी घर पहुंचते ही एक गिफ्ट रेडी है। तो ये है वो गिफ्ट, हमारा बर्थडे केक। मुझे पता था ये लेके आएगी केक मेरे लिए, इसका हमेशा है, ये केक की शौकीन है और पापा भी। तो फटाफट से इस केक को काटते हैं। बच्चों मारो ताली। निकाल ले निकाल ले, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम लोग खाएंगे। बाकी आगे आ जाओ, भोग लगवाओ, पहले तो तेरे भोग लगवाओ, आ करो आ करो। एक साइड लगे, काफी बढ़िया है केक तो, खाते बस ठीक है। मुंह पे लगा। बढ़िया है, आज कुछ अलग ही केक आया है, ये भी बहुत जरूरी होता है। अपने रोक्सी कहाँ है, रोक्सु एक भी रेडी हो, आ जाओ ऊपर आओ, इधर से बैठ, सीट इसको भी खिलाते हैं थोड़ा सा केक, ये भी हमारी लाडली है, थोड़ा सा ब्रेड तोड़ के दे दो। इसने भी खा ही लिया, लो खाओ, अच्छा है अच्छा है, ऐसे खिलाना पड़ता है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हो तो। टिल देन टाटा बाय बाय।